हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके बीच लेके आई हूँ कि एनसीईआरटी क्लास के बच्चे, क्लास 10th या 12th हो, जिनकी बोर्ड की तैयारी करनी है, वो इंग्लिश को तो साइड ही कर देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी 10th वाले पढ़ते हैं और 12th वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि इंग्लिश को साइड कर देते हैं। लेकिन इंग्लिश में मार्क्स अच्छा मिलता है और पढ़ना आसान है, तो आप मार्क्स अच्छा लाने के लिए आप इसकी तैयारी कैसे करें मैं बताऊंगी आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक हैं जो आप अगर इसको अपनाएं और बहुत शॉर्टकट तरीके से आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करना होगा कि देखिए, अगर आप कहीं जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, अगर वहाँ आपका चैप्टर छूट जाता है तो आप क्या करें कि पहले तो ऑनलाइन वीडियो देख लें। जो भी आपकी स्टोरी है, जो भी आपकी स्टोरी है, इसको क्या करें कि आप वीडियो को देखें, 10 मिनट वाले, 20 मिनट, जो आपको लगे आप देख लें। तो एक स्टोरी आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाएगा कि ये स्टोरी है क्या। ये स्टोरी, हमने सिर्फ स्टोरी ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ तो पढ़ना नहीं है, स्टोरी पढ़ना है। फिर आपको पोएम पोएम भी पढ़ना है, उसमें भी एक स्टोरी निकल के आएगी, वो पढ़नी है। तो ये एक आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को रीडिंग कर लें। दूसरे नंबर में आप चैप्टर रीडिंग कर लें, फिर पूरा ये आपने जो वीडियो देखा और चैप्टर रीडिंग करा, तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आप वर्ड मीनिंग पढ़ लें। जो भी आपका हार्ड वर्ड है वो वर्ड मीनिंग कर लें। वर्ड मीनिंग करने के बाद आपके हार्ड वर्ड भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा है फोर्थ नंबर में क्वेश्चन आंसर रीडिंग करें। आपके पास नोट्स बना होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, नहीं भी होंगे तो मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हैं, जिनके जिन्होंने भी, जिन राइटर ने भी लिखा है तो अच्छे से लिखा है, उसको आप पढ़ें, पूरा पढ़ें, और फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर को राइटिंग करें। एक एक बार सबको राइटिंग करें, हो सके तो 2 बार करें। अगर ये पांचों काम एक दिन में ना होते हैं तो दूसरे दिन क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर लें। तो उसके बाद देखेंगे कि आपके 50% तैयारी हो गई। इतना करने के बाद 50% नेक्स्ट जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप इसी तरह उसकी रिवीजन कर लें। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा मैंने इंग्लिश की तैयारी करने, आपको बताया है कि मैंने शॉर्टकट तरीके से, सारे बच्चे अगर इस तरह से करेंगे तो उनकी तैयारी जरूर होगी, रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। तो वीडियो को जरूर देखेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।